आपको जो सवाल पूछा इसको कार्य स्थगन के मामले में परसों ही मैं हाउस में उठाया था। हमेशा ये व्यवस्था रही है कि पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जनजाति छात्र छात्राएं अगर नंबर टॉप पाते हैं तो उनकी नियुक्ति समान में हो जाए। अभी लोक सेवा आयोग ने उसको चेंज कर दिया और ये किया कि 27% में ही पिछड़ा रहेगा कहीं नौ नंबर पाए और अनुसूचित जनता कभी आदमी उसी में राय देना लगता है कहीं नौ नंबर पाए। इसलिए कदम मैंने उठाया और ये सरकार पिछड़ा विरोधी है। छात्रवृत्ति कम कर दिया, अभी छात्रवृत्ति कम कर दिया, लड़कों का जो ट्रेनिंग होती उसको बंद कर दिया। पिछड़े वर्ग के नाम पर सत्ता में आई आप पिछड़े को ही ये मिटाना चाहते हैं, पिछड़े को, दलित को, अल्पसंख्यक को, ये पिछड़े विरोधी सरकार है। सर दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक कल बवाल हुआ, 7 लोगों की मौत हुई, तो सरकार की कानून व्यवस्था किस तरीके की है, क्या कहना चाहेंगे? कानून व्यवस्था सरकार की बिल्कुल चौपट है, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो। मैं कई बार कह चुका हूँ सदन में भी, सदन के बाहर भी और आपसे भी, लेकिन मैं खुद आंदोलनकारी हूँ 74 के आंदोलन जो लोग नए जब तक लड़ने के नेतृत्व में रहता साथ युवा संघर्ष समिति के माध्यम से। मैं इस बात का पक्षधर हूँ कि आंदोलन अहिंसात्मक होना चाहिए, धरना प्रदर्शन को हमको अधिकार है लेकिन धरना प्रदर्शन हमारा अहिंसा। अब माया टेक्निक का चली है कि भारतीय जनता पार्टी जो कुछ भी वादा किया कि कुछ नहीं, इस प्रदेश को, देश को गृह युद्ध में तब्दील करना चाहिए। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि आप आंदोलन कर रहे हैं तो आपके आंदोलन का मैं काउंटर करूँ। कि नया जो है भारतीय जनता पार्टी जो प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना में बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हथियार लेकर के उनका वहां मुकाबला करने के लिए तैयार है, जिससे कल घटनाएं घट गए। ये कभी नहीं, भारतीय जनता पार्टी कभी आंदोलन में रही ही नहीं, आजादी की लड़ाई के विरोधी थी, अंग्रेजों का साथ दे रही थी और जो लोग हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में लड़े उनको देशद्रोही बता रहे हैं। तो चूंकि बहुमत में है, घमंड है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में रह गई थोड़े दिन और तो प्रदेश और देश का विकास हो जाएगा। ये सरकार कहती है करती नहीं और केवल दिखावा करती है, इसीलिए विकास के मुद्दे को छोड़ देती है जब चुनाव आता है, तब वो धार्मिक मुद्दे को उभारने का काम करती है। और ये पहला बजट है जिसमें धार्मिक कार्यों के लिए बजट प्रोविजन किया गया, किसी यानी इसलिए कि हम अगर करेंगे तो हम धर्म पंथ निरपेक्ष, हमारा संविधान है, हमें सभी धर्मों को समान रूप से आदर देने की जरूरत है। लेकिन वो न करके केवल लोगों को बहुमत का वोट बैंक को बढ़ाने के लिए कैसे हम वोट बैंक को अपने पक्ष में करें, उस दृष्टि से धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है और इसलिए अपनी कमी को छिपाने के लिए बार बार इस तरह की हरकत भारतीय जनता पार्टी। दूसरा मैं एक और कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में उस दिन कहा था कोई मरने आ रहा है तो उसको कैसे, हमारा संविधान इस बात की इजाज़त नहीं देता। हमारे संविधान में अगर कोई मरना चाहता है तो उसके लिए भी प्रोविजन है, 309 IPC की धारा। अगर कोई आ रहा है तो जो राजधर्म है उसके अनुसार हमें उसको बचाने का काम करना है, न कि मारने के लिए, वो मरना चाहे उसको मरने देने का काम। ये निश्चित रूप से लोकशाही का ये प्रवृत्ति नहीं है, ये जो राजशाही का भू आती है, अहंकार आता है इस प्रदेश की सरकार के लगभग समस्त मंत्रियों को, मुख्यमंत्री जी को जिस विधा का ज्ञान है उस विधा को छोड़कर उत्तर प्रदेश की सरकार में काम कर रहे हैं, सुरेश खन्ना जी को और भी कई विधाओं की जानकारी है लेकिन मुझे लगता है कभी किसान नहीं रहे हैं वो, इसलिए उन्हें किसानों के बारे में जानकारी नहीं है कि उन प्रदेशों में किस ब्रीड के जानवर होते हैं और उत्तर प्रदेश में किस ब्रीड के जानवर होते हैं। और ये सरकार की अक्षमता है, अगर मध्य प्रदेश राजस्थान बॉर्डर से सरकार जानवरों को नहीं रोक सकती
या कहां सरकार प्रवचन करने के लिए आई है, सरकार झूठी घोषणाएं करने के लिए आई है, सरकार सिर्फ झूठ बोलने और जुमले करने के लिए आई है, ये सरकार पर सवाल या निशान है। सरकार बताए कि जो जो जानवर बाहर के प्रांतों से आए थे उन प्रांतों में कौन कौन से ब्रीड के जानवर होते हैं, और उत्तर प्रदेश के आवारा पशु जो किसानों की फसलों का नुकसान कर रहे हैं वो कौन कौन से ब्रीड के हैं। अभी एक रिपोर्ट भी आई है, वो रिपोर्ट सरकार ने अपने बजट में खुद प्रस्तुत किया है। उत्तर प्रदेश में गोवंश कम हुआ है, जो हमारी गायें हैं उनकी संख्या घटी है, ये उत्तर प्रदेश के प्रमाणित रिपोर्ट है। सरकार सच बोलने के लिए होती है, और इसी सरकार के झूठ के विरुद्ध इसी सदन में मैं कई सारे मंत्रियों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की नोटिस भी देने जा रहा हूँ।